हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ खुले बालों के लिए और छोटे बालों के लिए दो ब्यूटीफुल से हेयर स्टाइल। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो होने वाली काफी ज्यादा हेल्पफुल। वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और वीडियो होने वाली काफी ज्यादा हेल्पफुल तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिनके भी छोटे बाल हैं एंड वो हेयर स्टाइल करने में कन्फ्यूज हैं तो ये हेयर स्टाइल उन लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको साइड पार्टीशन लेना है बालों का। ओके, साइड पार्टीशन लेके आपको इस तरीके से क्राउन लेते से थोड़े थोड़े से हेयर लेने हैं। देखिए यहाँ से इस तरीके से लंबे में हेयर को उठाएंगे और इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करके हल्का सा आगे की तरफ पुल करेंगे। अभी सारे हेयर को एक साथ ही क्लचर से इस तरीके से ऐड करते जाएंगे ताकि ये हमारा खुल ना जाए। एक साथ ही क्लिप लगानी है और फिर से सेकंड लेयर लिया है और इसको दोबारा से ट्विस्ट करना स्टार्ट करेंगे जैसे हमने फर्स्ट लेयर को किया था और हल्का सा खींच देंगे ऐसे और इसको भी क्लचर में ऐड कर लेंगे। थर्ड लेयर लेंगे इसी तरीके से तीन चार लेयर एक साथ लेने हैं और बनाते जाना है। फिर से फोर्थ लेयर लिया है एंड इसको ट्विस्ट कर लिए हैं। और फ्रंट से लेयर को इस तरीके से और फ्रंट के हेयर को ऐसे ही छोड़ देंगे अपने लेयर कट किए हैं। तो अब सारे लेयर्स को ओपन करेंगे और एक साथ पकड़ लेंगे। ओके, कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पे आप क्लिप से इसको सिक्योर कर दोगे। क्लिप को हमेशा क्रॉस में लगाना है। और इस साइड के हेयर जो जैसे हैं वैसे ही छोड़ देंगे। अब ये जो हेयर है इनको उठाएंगे और थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके सिंपल चोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। छोटे बालों के लिए बेस्ट रहेगा ये हेयर स्टाइल। और इस तरीके से इसको राउंड राउंड घुमाएंगे और जहां पे हमने क्लिप लगाई है वहीं पे रख के और यू पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। इसका लुक कुछ इस तरीके का आ जाएगा। अब दूसरी साइड से कैसे करना है वो भी बता रही हूँ। आप चाहो तो फ्रंट का जो हेयर है इसको ऐसे ले जाके ईयर के पीछे भी रख सकते हो। और दूसरी साइड का जो हेयर है इसको भी आप ऐसे ही करोगे। सेकेंड लेयर को ट्विस्ट करेंगे फिर से थर्ड लेयर को ट्विस्ट करेंगे अच्छे से। फिर तीनों को एक साथ ले लेंगे और बैग में लेके जाएंगे और यहाँ से हेयर को उठा देंगे और ये सेट को सिक्योर कर देंगे।
और जो हमने हेयर हटाया था उसके ऊपर से फिर से क्लिप को हाइड कर देंगे। तो इसका जो लुक है कुछ इस तरीके का आएगा। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हेयर स्टाइल, काफ़ी इजी है और स्टाइलिश भी है। आप इधर से लेयर को ऐसे भी रख सकते हो, लॉन्ग फेस पे बेस्ट रहेगा ये हेयर स्टाइल। लंबे चेहरे के लिए तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल बन हेयर स्टाइल एंड दो ओपन हेयर स्टाइल। तो अभी मैं आपको क्लचर से बन हेयर स्टाइल बताऊंगी। बहुत इजी है, एवरीडे है, गर्मियाँ चल रही है तो बेस्ट रहेगा। तो आप ये हेयर स्टाइल जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से हेयर स्टाइल को स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके बालों को अच्छे से कॉम करना है। एक सेकेंड, इस तरीके से बालों को ऊपर की तरफ से कॉम करेंगे। यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे। आईब्रो का जो आर्च है यहाँ से इस तरीके से हेयर को लिया है, दूसरी साइड से भी यहाँ से लिया है और इस तरीके से हल्का सा ट्विस्ट कर देंगे और हल्का सा आगे की तरफ पुल कर देंगे। इससे एक सुंदर हल्का सा वॉल्यूम आ जाएगा बालों में और काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको नीचे की तरफ एक पिन लगाना है, बॉबी क्लिप, दूसरी साइड भी अच्छे से चेक करेंगे कहीं आपकी स्कैल्प तो नहीं दिख रही। अब हम लोग सारे बालों पे पोनी बनाएंगे। ओके, जहाँ पे आपका रबर बैंड है वहाँ तक पोनी के हेयर को लेके जाएंगे और रबड़ से अच्छे से सिक्योर कर लीजिए सारे बालों को। अब आप यहाँ पे बड़ा क्लचर भी यूज कर सकते हो, छोटा भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये वाला क्लचर यूज कर रही हूँ। इसको आपको अपने बालों पे इस तरीके से लगाना है। आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो। ओके, इस तरीके से लगाने के बाद से बालों को एकदम लूज ही, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, लूज ही इस तरीके से लेके जाएंगे। लूज इसके रखना है ताकि जो हमारा वॉल्यूम है बालों का वो कम ना हो। अगर आपका बड़ा हेयर है तो भी बहुत प्यारा हेयर स्टाइल बनेगा, छोटा है तो भी बहुत प्यारा बनेगा। अब आपको जगह जगह पे इस तरीके से यू पिन लगा देना है और यू पिन लगाते टाइम ध्यान दीजिएगा कि आपका जो ऊपर का पिन था बॉबी क्लिप वो अच्छे से हाइड हो जाए। इस तरीके से आपको अच्छे से यू क्लिप लगा लेना है बॉबी क्लिप। और बहुत ही इजी है, बहुत ही कंफर्टेबल है और गर्मियों के लिए बेस्ट रहेगा। और साड़ी पे भी आप इसको बना सकते हो, सूट पे भी बना सकते हो, कहीं शॉपिंग वगैरह करने जा रहे हो, कोई हैवी हेयर स्टाइल नहीं चाहते हो और चाहते ये भी नहीं चाहते हो कि बाल आपके फेस पे आए, गर्दन पे आए, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। तो कैसा लग रहा है आपको आज का हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आया हो और बहुत ईजी है, साड़ी के लिए सूट के लिए बेस्ट रहेगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और फेशियल के रिलेटेड और वीडियो फेशियल से रिलेटेड ऑल वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुकी है, तो जाके चेक जरूर कर लीजिएगा। तो हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, एक क्लचर से बनाना बहुत इजी हेयर स्टाइल है, तो इसी तरीके की इजी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेकअप से रिलेटेड, ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड, फेशियल से रिलेटेड ऑल टाइप वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हम लोग बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज लेकर आते रहते हैं। तो लाइफ से रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए मेरे सेकंड चैनल पर जाइए, प्रीति तिवारी 2 सेकंड चैनल का नेम है। बाय बाय।